तो ये देखिए शादियों में बनने वाले आलू परवल की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, आप इसे पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली आलू परवल की सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 300 ग्राम परवल लिया है और इसे धो के अच्छे से इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल दिया हमने डंठल का। और इसे एक परवल को दो से तीन टुकड़ों में हमें गोल गोल इसी प्रकार के शेप में काटेंगे। कोई लंबे परवल हो तो उसे तीन टुकड़े, ऐसे दो टुकड़े में काटेंगे। तो ये देखिए हमारा परवल कट चुका है। और हमने दो प्याज लिया है, उसे रफली चॉप किया है। और दो से तीन हरी मिर्च लिया है, उसे दो भागों में काटा है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहे तो इसे कढ़ाई भी बना सकते हैं आसानी से। उसमें तेल डालेंगे, तेल हमने लगभग दो से तीन चम्मच के आसपास डाला है क्योंकि अभी हमने परवल को फ्राई करना है। आप बिल्कुल तेल में तल भी सकते हैं इस परवल को। तो हमने इसे फ्राई पैन पे ही तलने की कोशिश किया है। तो ये देखिए हमारा धीरे धीरे अच्छे से ये तल रहा है। तो ये देखिए हमारा फाइनली परवल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें इस तेल में डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन हमने आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लिया है। और उसके बाद ये तेज पत्ता हम ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हमने मिर्ची और प्याज का जो कटा हुआ भाग था उसे हम ऐड करेंगे। हमने दो मीडियम साइज़ का प्याज को रफली चॉप किया था और दो से तीन हरी मिर्च लिया है। और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए हम ढक्कन हटा के देख रहे हैं, हमारा इस प्रकार से हल्का सा रोस्ट हुआ है प्याज। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से गल सके। बिल्कुल प्याज को गला के पकाना है। तो फिर से हम ढक देंगे इसे और दो से तीन मिनट पकाएंगे इसके लो टू मीडियम पे। तो ये देखिए ये हमारा प्याज अब लगभग भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने अदरक एक इंच के आसपास टुकड़ा में लिया है और सात से आठ लहसुन की कलियाँ। तो इसको हमने दो से तीन मिनट तक इसे भी भुना है। तो ये देखिए हमारा लगभग ये भी भुन चुका है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने पानी मिला के रखा है और मसाला हमने आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसे हम थोड़ी सी पानी डाल के इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। हलवाई लोग ऐसे ही डालते हैं मसाले को। ये देखिए तो अब हम मसाले को डालेंगे। मसाले को हम 5 से 10 मिनट तक इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि शादियों में जो हलवाई बनाते हैं उसमें टमाटर डालते भी हैं। कोई हलवाई डालते भी है, कोई नहीं भी डालते हैं। तो अब हम यहाँ पे आलू कटा हुआ डालेंगे। आलू हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास बॉयल किया था, इसको कि हमने आधी से ज़्यादा आलू को काटा है और थोड़ी सी आलू को हमने मैश करके इसमें डाला है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन सके। और हमारा जो है सब्जी आलू परवल का बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन सके। तो ये देखिए हमने मसाले को मिला लिया आलू को भी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी पानी और हम ऐड करेंगे।
क्योंकि हमें अभी परवल डालना है इसमें, देना है। तो ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है सब्जी में। तो अब हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ परवल डालेंगे। फ्राई को आप इसी प्रकार से आप रोस्ट करेंगे या तो फ्राई करेंगे, ताकि ये परवल जो अच्छे से हमारा फ्राई करने के समय ही पक जाए। तो इसे डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। आप इस मसाले में काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं किया है, आप इसमें कर सकते हैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल। तो ये देखिए फाइनली हमारा सब्जी लगभग बन चुका है। ये देखिए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार। ये देखिए बिल्कुल इसका थिकनेस भी अच्छा है। तो लास्ट में यहाँ पे गरम मसाला आधी चम्मच के आसपास ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हम कम कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू परवल की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। शादियों में हलवाई लोग इसी प्रकार से बनाते हैं पूड़ी के साथ खाने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हलवाई स्टाइल सब्जी इस प्रकार से स्वादिष्ट बना है या नहीं। तो ये देखिए इसका थिकनेस भी देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना शादियों में बनने वाली सब्जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।